अभी इस समय पे वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, मेरा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अभी अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। एक डेढ़ साल बाद उनसे मैं बात कर रहा था, तो ऐसे ही मैंने नॉर्मली उनको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, आजकल कहाँ पर है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया 6 महीने पहले। मैं शॉक हो गया क्योंकि वो लड़की रियल में अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, रियल में प्यार करती थी, और ये बात मैं भी जानता था उसके बारे में, लेकिन कुछ टाइम से उससे कॉन्टेक्ट में नहीं था। तो मैंने उसको पूछा था, तो मैंने उसको रीज़न पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तूने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। हाँ, उसने बोला कि मैंने ही कर दिया, और रीज़न उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड ना कुछ टाइम से मेरे को बहुत ज़्यादा शक कर रहा है, क्योंकि हर बात में मुझे टोकता है कि क्यों ऑनलाइन है, क्यों बाहर जा रही है, किससे बात करी, ये वो। और मैं रियल में उसको लव करती थी और वो बेवजह मेरे ऊपर शक कर रहा था। उससे मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने खुद ने ब्रेकअप कर लिया। अब पहले वो लड़की उसके लिए रोती थी और वो लड़की खुद उसको छोड़ के चली गई। और देखिए रीज़न भी क्या है, और उसका रीज़न मुझे वाकई भी लगा, मुझे सही भी लगा। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको शक है इसका मतलब ये कि आपका शक झूठा है, नहीं, कई बार आपका शक होता है वो सच भी होता है। लेकिन जब हमें अपने पार्टनर के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर शक होता है, तो हम भी हॉट हो रहे होते हैं, ये हमें लगता है कि वो शायद धोखा दे रही है। लेकिन ये चीज़ आपको या तो कन्फर्म करनी है या तो शक को दूर करना है, आपकी पूरी जो टेंशन है ना आज ख़त्म हो जाएगी। ये 100% बात है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप रिलेशन के बारे में, प्यार के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज के ज़माने में ना हम ऐसे समय में है, ऐसे लोगों के बीच में जी रहे कि जहाँ पे लोगों के ऊपर विश्वास कर देना और पूरी तरह से विश्वास करना डर लगता है हमें, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतना धोखा दे रहे होते हैं, इतना कुछ हो रहा होता है, तो एक बार ट्रस्ट करने में इंसान सोचता है। और इतनी झूठी दुनिया कि हम चाहते ना तो भी ट्रस्ट करने में डर लगता है कुछ ऐसा हो गया। तो सबसे पहली बात कि हमें लोगों के ऊपर हर चीज़ में ट्रस्ट करना चाहिए, ये रिलेशनशिप हो, हमारा बिजनेस हो, दुनिया की किसी भी चीज़ में पहले लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम इसी बात को भूल गए। प्लीज़ थोड़ी सी इस बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये ट्रस्ट करना ही भूल गए, क्योंकि हर चीज़ डेवलप होती है ना, मजबूत होती है ना, वो ट्रस्ट से होती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको शक है तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो शायद आपको धोखा दे रही है। तो दोस्तों कि आपको ये नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, रियल में क्या है या क्या नहीं है, इन चीज़ के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। मुझे जो लगता है हमें ऐसा लगता है कि वही सही है, तो असल में जो मुझे लगता है वो सिक्के की एक साइड होती है, दूसरी साइड जो हकीकत है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और हम किसी की बात को जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो मुझे पता है वही कन्फर्म। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो मैं भी सोच रहा हूँ वो झूठ है, लेकिन एक ऑप्शन हो सकता है कि हाँ मैं भी एक गलत हो सकता हूँ, कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती है। तीसरी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरी उस दोस्त के साथ हुई या उसके बॉयफ्रेंड के साथ हुई कि उसका रियल में ब्रेकअप हो गया, उसने छोड़ दिया और नया रिलेशन भी बना लिया। तो अगर असल में देखा जाए तो जो मेरी दोस्त थी उसका जो बॉयफ्रेंड था वो शक कर रहा था, तो उसका शक सच हो गया ना कि उसने उसको छोड़ भी दिया और नया रिलेशन भी बना लिया। ऐसा किस लिए हुआ? बहुत बार आपने सोचा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि जिन चीज़ के बारे में हम बार बार सोचते हैं, जिन बात के ऊपर हम ज़्यादा फोकस लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में हो सकती है कि बार बार हम शक करें, उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ वो मुझे धोखा दे रही, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये चीज़ भी होती है और बहुत सारे लोगों के ऊपर होती है कि आप शक कर रहे हो, उसके ऊपर एनर्जी दे रहे हो, तो लड़की परेशान होकर आपके शक के कारण भी आपको छोड़ के जा सकती है, दूसरे के साथ रिलेशन बना सकती है, और आपका शक सच हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने शक को कन्फर्म कैसे करना है या शक को दूर कैसे करना है, इन सब में सच क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर शक होता है और वो कुछ जाने बिना अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी, कि तू मुझे धोखा दे रही, तेरे अफेयर है, तू कैरेक्टर लेस है। दोस्तों एक बात मानो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको धोखा दे रही, तो आपका ये सब कुछ बोलना जायज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन मान लो कि रियल में वो आपको धोखा नहीं दे रही, तो उसको कितना बुरा लगेगा, वो क्या सोचेगी? वो ये सोचेगी कि जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है,
उसको मेरे ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं और वो मुझे ऐसे वर्ड्स बोल रहे, आपके ये गंदे वर्ड्स, अगर वो व्यक्ति आपको प्यार करता है ना तो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा और ज़िंदगी पर आपको नफरत करे। तो भाई आप कहोगे कि आप ही बता दो कि इस सब को कैसे दूर करें, कैसे कन्फर्म करें। सिंपल सी चीज़ है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा दिन का जो रूटीन है ना उसको कन्फर्म करो, उसको चेक करो या उसको जान लो। आपकी गर्लफ्रेंड इतने बजे उठती है, इतने बजे ब्रश करती है, नाश्ता करती है, कॉलेज जाती है, कॉलेज के बाद किन दोस्तों के साथ वापस आती है, वहाँ से क्या करती है, ट्यूशन जाती है, घर पे होती है, उसके पापा के साथ होती है, मम्मी के साथ, भाई के साथ, पूरा का पूरा जो रूटीन है ना आपके पार्टनर के हिसाब से उनको जान लो। क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना तो भाई रे भाई गजब गजब शक होगा, आपको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। और इसी वजह से हमें ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल, कि उसके साथ होगी ये होगा वो होगा, हो सकता है कि वो तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही, साइड में उसका भाई है, उसका फादर है, उसकी मदर है, तो नहीं भी उठा सकती, वो घर पे है, वो काम कर रही है, कुछ भी है। तो ऐसे मत सोचो, उसका रूटीन जान लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने पार्टनर पर शक है ना तो आपको जहाँ से क्वेश्चन मिला है ना आपको जवाब भी वहाँ से ही मिलेगा। आपके दिमाग ने आपको एक क्वेश्चन दिया ना कि आपको शायद लगता है कि वो आपको धोखा दे रहा है, तो अपने मन को आपको खुद को पूछो कि आपका पार्टनर आपको धोखा क्यों देगा, उनके पास ऐसी क्या वजह है, उनके पास ऐसा क्या रीज़न है और आपको धोखा देकर उनको क्या मिल जाएगा। खुद सोचिए, आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो नचते लाइक चेयरि शेयर चेयर सब्सक्राइब चेयर रेगुलर नोटिफिकेशन बेल बटन में।